हेलो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम बच्चों के साथ होता है कि वो ओमार को मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्जामिनेशन की, क्योंकि नीट अभी आने वाला है, क्योंकि जेई मेंस और एडवांस तो आपका ऑफलाइन होता नहीं है, वहाँ तो ओमार मिलता नहीं है, सारे ऑनलाइन होते हैं, तो वहाँ ओमार का कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि अपने टाइम मैं जेई एडवांस में हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था, तो मैंने भी ओमार में मिस्टेक किया था और मैंने एक्चुअल में अप्लीकेशन फॉर्म में भी मिस्टेक किया था। मैं उसका स्टोरी आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। ओके, तो मैं बाद में उस बारे में आता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओमार में मिस्टेक होता क्यों है, पहले उसको समझते हैं। देखो, ओमार में मिस्टेक इसलिए होता है कि मान लो सपोज करो अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओमार को फिल करते हैं। अभी मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, इस टाइप से आपने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जब आप ओमार कलर करने जाते हो ना, तो आप पेन से करते हो, पेंसिल से तो करते नहीं हो कि आप उसको रब कर सको। तो मान लो आपका थोड़ा सा भी सीक्वेंस खराब होता है कि फर्स्ट का ए था, सेकेंड का बी था, थर्ड का सी था, तो थोड़ा सा भी सीक्वेंस अगर चेंज हुआ तो आपको पूरा का पूरा लगातार 1 से लेकर 30 के बीच में चांसेस है कि वो मिस्टेक हो सकता है। ऐसा एक स्टूडेंट ऐसा एक मिस्टेक हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उसका पूरा नीट जो है वो खराब हो गया था, ठीक है ना। उसने पूरा फिजिक्स ही ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो है गलत मार्क कर दिए। तो मेजॉरिटी ऑफ जो गलतियां होती हैं वो इसलिए होती हैं कि ज़्यादातर बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो है ओमार को कलर करते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर ओमार फिल करेंगे, फ्लो टूट जाएगा क्वेश्चन का, ये होता है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो लास्ट में ओमार फिल करते हैं कि चलो पहले हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में ओमार फिल करेंगे। और ऐसा बहुत टाइम देखा गया कि कोई ना कोई सब्जेक्ट का ओमार वो फिल ही नहीं कर पाता है। ऐसा एक इंसिडेंट हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था ड्यूरिंग जब वो राजीव क्लास में एग्जाम दे रहा था, तो हमारे कोऑर्डिनेटर ने उसका पेपर ही छीन लिया एक बार कि चलो ठीक है। वो मिस्टेक वो रियल नीट में भी करने वाला था, क्योंकि उसके लास्ट ईयर वो मिस्टेक उसने किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अल्टीमेटली 613 लेके आप आया और नीट में अभी बहुत ही अच्छे लेवल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, सीएनएम से पढ़ाई कर रहा है। तो आपको आदतों में चेंज कैसे लाना है उसको लेके हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने प्रॉब्लम एरिया डिस्कस कर लिया कि होता क्यों। एक तो है कि बच्चे 30-40 क्वेश्चन करने के बाद ओमार कलर करते हैं, दूसरा जो होता है लास्ट में पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद करते हैं। तो इन दोनों मेजॉरिटी मिस्टेक की वजह से होता है ऐसा। अब इसको अवॉइड कैसे करना है, देखो अवॉइड ये करना है कि आप कम से कम 5 से 6, मतलब मैं तो 10 भी सजेस्ट करता हूँ कहीं कहीं मैक्सिमम, लेकिन आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन के बाद ओमार जोर फील कर लो। ताकि सपोज करो कि ऐसा हो कि मान लो आपका टाइम अगर कम भी बचा आपके पास, तो एटलीस्ट जो आपने बना रखा है वो तो नहीं छूटेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि मिनिमम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन के बाद पक्का जो है ओमार को आप कलर कर लो, ठीक है ना। ताकि अगर खराब भी होगा तो वो सिर्फ 5 क्वेश्चन खराब होगा, लेकिन अगर आपने अपना वाला चीज फॉलो किया तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपका खराब हो जाए। सेकेंड केस ऐसा कर सकते हो कि मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे ऊपर मत जाना, रिस्क हो जाएगा, हाई रिस्क हो जाने वाला है। तो 10 क्वेश्चन के बाद जो है आराम से आप कलर कर लो, आपका फ्लो नहीं टूटेगा। आपको इस बात को समझना होगा कि आप जितना बनाए हो वो मार्क्स आपका मतलब वो राइट है। अगर वो भी अगर आप मतलब मिस्टेक कर दोगे तो यार सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन के बाद ओमार को पक्का कलर कर लें। अगर कोई बच्चा 5 के बाद भी कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। और कलर करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें, ये कॉन्सेप्ट माइंड में चलना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन आपने बहुत मेहनत के साथ सॉल्व किया है, अगर वो इतने सिली मिस्टेक की वजह से आपका रॉन्ग हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। अब बात करते हैं सर, ये आपको कैसे पता कि सर इतने सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि भाई मैंने भी किया था अपने ऑफलाइन टाइम एग्जाम की बात करें तो, और 8 साल से स्टूडेंट को भी देखते आ रहे हैं। अब बहुत सारे मैं यहाँ आप देखोगे कि कमेंट में भी आएंगे, आप चेक करोगे, अगर आपके साथ भी ये मिस्टेक हुआ है तो पक्का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये सर ये मिस्टेक हुआ है। अब बात करते हैं सर अपना स्टोरी बताओ, आपने क्या किया था। तो 2012 में जेई एडवांस की एग्जाम थी, तो हम लोगों को कोटा में मतलब ऑफलाइन एग्जाम था, तो कोटा में हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म एक सेंटर पे मिलते थे, तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लिया और वहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया। ओके ठीक है, अब मैं अपने एचओडी के पास गया, बोला कि सर ये मैंने ओमार मिस्टेक कर दिया। पहले उन्होंने बताया कि यार 1500 के फॉर्म है, आपने मतलब इसमें इतना मिस्टेक कर दिया, और वो कैंपस में मैं खड़ा हूँ और सामने एचओडी हैं,
मेजोरी का नाम ले लूँगा क्योंकि यूट्यूब पे वो भी पढ़ाते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कि अरे यार तुम मतलब मिस्टेक कैसे कर सकते हो, इतना मतलब हाई कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, आप उसमें मिस्टेक कर दिए। और सेम मेरे साथ जेई मेंस में भी हुआ था एक दो क्वेश्चन के साथ और एडवांस में भी हुआ था, तो ये बहुत कॉमन सा है यार, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो प्लीज़ आपके साथ ये मिस्टेक ना हो तो इस बात का ध्यान रखें और जो मैंने मेथड आपको बताया उसको जरूर फॉलो करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको शेयर करो उन स्टूडेंट के साथ। देखो जब तक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, अच्छा रैंक नहीं आ सकता, ठीक है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स इसके अंदर रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।